Assalam-o-Alaikum, my name is dr hamda saqib and today we will be discussing lecture number 23 of biochemistry and genetics 2 today's lecture is very interesting and we will be discussing transcription in eukaryotes and prokaryotes it is something that you have obviously done before in fsc and you have a background knowledge about it and since in the last lecture we learned about how dna replication takes place so similar concept is there in transcription as well

आर एन ए कैसे बनता है उस प्रोसेस को आप कहते हो ट्रांसक्रिप्शन ठीक है और आर एन ए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को आप ट्रांसलेशन कहते हो सो so ये दो आपको मेन वर्ड्स पता होने चाहिए द फॉर्मेशन ऑफ डी एन ए टू आर एन ए द प्रोसेस बाई विच दिस प्लेस इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन जिसकी वजह से डी एन ए की इंफॉर्मेशन आर एन ए में कैसे ट्रांसफ़र होती है इट इज़ बाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और फिर आर एन ए किस तरह आपके प्रोटीन्स को बनाता है इट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ना विल कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ अ डी एन एंड आर एन ए डी एन ए आर न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट इन द डी एन ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डी एन ए में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि तीन मेन चीज़ें होती हैं एक फॉस्फेट ग्रुप होता है एक शुगर होती है राइबोस शुगर और एक बेस होती है यही तीन चीज़ें जो हैं आपके आर में भी होती हैं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है वही फ़र्क हम अब पढ़ेंगे डी एन ए अ डाय डी एसिड विच कंसिस्ट ऑफ बेसिस ऑफ विच आर ऑफ फोर टाइप्स साइटोसिन गुआन एडिनिन थमीन एंड वी नो दैट एडीन पेयर्स विद थाइमीन बाई टू बॉन्ड्स एंड गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन टू फॉर्म थ्री बॉन्ड्स जो हाईलाइटेड आपको इसमें दिखाया गया वह थाइमीन दिखाया गया है कि थाइमीन एक डिफरेंस है आर में और डी में डीएनए में जब थाइमीन होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट में आरएनए में यूरा बेस होती है ये एक फ़र्क है डीएनए में और आरएनए में दूसरी बात ये कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है एज़ यू रिमेंबर के दो स्ट्रैंड्स होती हैं वो आपस में एक अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं जबकि आपका जो आर एन ए होता है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है तो ये दूसरा डिफरेंस है एंड तीसरी एक बात जो डी एन ए की बताई है वो ऑब्वियसली आर एन ए भी आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है तो तीसरी बात जो डी एन ए के बारे में बताई गई है वो ये बताई गई है कि डी एन एज अ फंक्शन इज़ टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन अब बात है राइबो न्यूक्लिक एसिड की तो रो न्यूक्लिक एसिड के क्या काम होते हैं बेसिकली फीचर्स क्या होते हैं कि एक तो बेसिस तीन तो वही हैं जो डीएनए में होती हैं साइटोसिन गुआनिन एंड एडिनीन एंड द फोर्थ डिफरेंट बेस इज़ द यूरा सेल विच इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ थायमिन नंबर टू इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड नंबर थ्री द फंक्शंस अब चूँकि आर एन ए हमारे पास तीन किस्मों के होते हैं और तीनों के अलग अलग फंक्शंस होंगे तो उनके नाम में ही उनका फंक्शन है राइबोसोमल आर एन ए जिसको आर आर एन ए भी कहा जाता है इट मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफिट एज यू रिमेंबर जो हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था लेक्चर नंबर वन में तो आपको पता है राइबोजोम्स होते हैं आपके साइटोप्लाज में स्केटर्ड uh, होते हैं और आपका एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम भी एक स्ट्रक्चर होता है कि उसके ऊपर अगर राइबोजोम्स लगे होंगे तो उसको आप रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम कहते हो और रफ़ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम का काम क्या होता है प्रोटीन बनाना तो रफ क्यों होती है बिकॉज उस पर राइबोजोम्स लगे होते हैं तो राइबोजोम्स आपको पता है ऑर्गेनैली होता है साइटोप्लाजम का उस और उस ऑर्गेनैली को जो बनाने में हेल्प करता है आपका आर एन ए वो रॉइबोजोमल आर एन ए होता है वो उसके स्ट्रक्चर का सिक्सटी परसेंट बनाता है ठीक है सेकेंड जो टाइप होती है आर एन ए की वो होती है मसेंजर आर एन ए जिसको आप एम आर एन ए भी कहते हो और एम आर एन ए वो चीज़ होती है जो कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन में मेन रोल प्ले करती है इट रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डी एन एंड कैरीज इट टू द रबोजोम्स फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दैट द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डी एन ए टू आर एन एज़ विद देल्प तो जो इंफॉर्मेशन आपकी डी एन ए में होती है वो ट्रांसक्राइब हो जाती है एम आर एन ए में फिर एम आर एन ए आपका साइटोप्लाज्म में जाता है आपके राइबोजोमल आर एन ए पर जाके आपका प्रोटीन फॉर्मेशन शुरू कर देता है तीसरी जो टाइप होती है आर एन ए की वो होती है आपका ट्रांसफ़र आर एन ए टी आर एन ए और चूँकि इसका नाम ट्रांसफ़र है तो उसका काम क्या होता है इट डिलीवर्स अमाइनो एसिड्स टू प्रोटीन्स एट द राइबोसोम टू एक्सटेंड द चेंस तो बेसिकली एम आर एन ए ने आपका इन्फॉर्मेशन लेके आनी है डी एन ए से कि इस इस सीक्वेंस uh, में आपने अमाइनो एसिड का प्रोटीन बनाना है तो वो वो इन्फॉर्मेशन ले कर आती है ये प्रोटीन की फॉर्मेशन किस जगह पर होगी वो राइबोसोम होता है और आपके अमाइनो एसिड्स लेके कौन आता है वो आपका ट्रांसफर आरएनए एन नजर लेके आता है तो तीनों के डिफरेंट फंक्शन होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं एम आर एन ए विल कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अ माइनो एसिड द सीक्वेंस ऑफ अ माइनो एसिड फ्राम द डी एन विल प्रोवाइड द माइनो द ट्रांसफर आर एन एंड वेयर विल दिस होल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सेंथिस टेक प्लेस एट द रबोजोम्स विद जिसका मेन कॉन्सेंटुंट आपका राइबोजोमल आर एन ए होता है तो थ्री टाइप्स ऑफ आर एन शुड नो देर नेम्स एंड देयर फंक्शंस यही फ़र्क दिखा दिया आपको आर एन न्यूक्लियोटाइड का और डी एन ए न्यूक्लियोटाइड का ठीक है तो दोनों में फ़र्क यही है कि आपका जो अ, 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 बेस है वो एग्जैक्टली exactly सेम दिखाई गई है राइबोज शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है तो जो शुगर्स का फर्क है वो ये होता है कि आपका जो डीएनए होता है वो डी राइबोज होता है दैट इज़ वाई उसको डीएनए नाम है डी ऑक्जी राइबो निक्लिकसिड और आपका जो आरएनए है वो रो एसिड है वो उसमें जो शुगर होता है वो राइबोज होता है दैट इज़ वाई इट इज सेट टू बी आर एन ए रबो न्यूक् एसड बिकॉज उसमें जो शुगर होता है वो रेबोज होता है तो डी ऑक्जी जो शुगर कॉम्पोनेंट होता है डी का और राइबोज जो शुगर कॉम्पोनेंट है आर का उनमें फ़र्क क्या होता है उनमें फ़र्क सिंपल ये होता है कि जहाँ आपके डी राइबोज में तीन हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होते हैं राइबोज में चार हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे तो अगर राइबोज शुगर से एक हाइड्रोक्सल ग्रुप आप निकाल दो तो वो डी ऑक्सी बन जाएगा मतलब डी ऑक्सी उसमें से एक ऑक्सीजन का ग्रुप निकाल दिया गया मतलब ओ एज का ग्रुप निकाल दिया गया तो डी में तीन हाइड्रोक्ल ग्रुप्स होते हैं और राइबोज में चार हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होते हैं डीएनए में जो शुगर होता है वो डॉक्जी होता है और आरएनए में जो शुगर होता है वो राइबोज होता है तो यही स्ट्रक्चर्स में अगर आप इसको स्ट्रक्चर्स को देखो इन जिसे कहते हैं दूर से तो जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डब, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और जबकि जो आर है वो आपका क्या है वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है आर एन एज़ अ सिंगल स्टैंड विद अ हेयर पिन लूप तो बेसिकली एक सिंगल स्टैंड होता है जो कि अपने ऊपर ही ट्विस्टेड होता है ऑल दो इट लुक्स लाइक अ डबल हेलिक्स इट इज़ वन स्टैंड रैप्ड अराउंड इट सेल्फ इट इज़ सिमिलर टू अ ट्विस्टेड बॉबी पिन तो जो हेयर पिन होती ना उसको बॉबी पिन कहते हैं जो सर के ऊपर आप पिन लगाते हो तो so आप उस पिन को देखो ना तो वो एक सिंगल स्टैंड होता है उसका तो so उसी तरह की आपकी आर एन ए भी होती है अगर आप उसको ट्विस्ट कर दो तो इट इज़ अ सिंगल बट इट लुक्स टू बी डबल स्टैंडर्ड बिकॉज वो अपने ऊपर ट्विस्टेड होती है जबकि आपका जो डीएनए होता है वो दो अलग-अलग स्ट्रैंड्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है जीन्स कैन बी एक्सप्रेस विद डिफरेंट एफिशेंसीज तो अगर आप देखो डीएनए के ऊपर एक जीन है आप देखो डी एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है तो दो स्ट्रेंड्स आपको डी में नजर आ रही हैं ठीक है और उसमें आपके पास एक जीन ए है जहाँ से आपकी पॉसिबल ट्रांसक्रिप्शन होनी है और एक जीन बी है जीन बी से सिर्फ एक एम आर एन ए ट्रांसक्राइब हो रहा है और आप देख रहे हो आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड है जबकि जीन ए से चार सिंगल स्टैंडर्ड आपके आर एन ए बन रहे हैं और फिर उसी हिसाब से जितने एम आर एन ए बनेंगे उतने ज़्यादा आपकी फिर प्रोटीनस की ट्रांसलेशन होगी उस एम आर एन ए से प्रोटीन का बनना का प्रोसेस आपका ट्रांसलेशन होता है डी एन ए से इंफॉर्मेशन आर एन ए में जो जाती है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और एम आर एन ए जब आपका प्रोटीन बनाती है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं तो आप देख रहे हो कि जीन्स का साइज़ सेम है डी एन ए में लेकिन वो किस हिसाब से उनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है उनकी एक्सप्रेशन होती है वो जीन टू जीन वेरी करता है ठीक है तो एक जीन है वो आपकी बॉडी में एक ज़्यादा एक चीज़ बनाती है और एक जीन आपकी बॉडी में एक कम चीज़ बनाती है तो ऑल दो उनकी जगह सेम ऑक्यूपाई वो डी एन ए पर करती हूँ लेकिन वो अपनी एफिशेंसी के लिहाज से आप में एक्सप्रेस होती हैं। केमिकल स्ट्रक्चर आपको आर एन ए का बताया तो उसमें यही बताया कि जो आ, राइबोज जो शुगर होता है आपको पता है कि डी एन ए और आर एन ए में तीन ही मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक फॉस्फेट ग्रुप एक शुगर और ती, तीसरी चीज बेसिस होती है तो फॉस्फेट ग्रुप दोनों में सेम होता है डी एन ए में और आर एन ए में दूसरा जो फर्क मेन है एक तो राइबोज शुगर होता है आर एन ए में डी ऑक्सी राइबोज शुगर होता है आपके डी एन ए में और तीसरा जो फ़र्क होता है वो बेसिस की टाइप्स में होता है कि एक जो टाइप होती है थाइमीन उसकी जगह पर दूसरी जो टाइप होती है जो आर में वो यूरा होती है बाकी तीनों टाइप सेम होती हैं तो वही केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर में फर्क बता दिया कि पहला राइबोस शुगर होता है इन इन प्लेस ऑफ डी एंड दे हैव अ सेल इन प्लेस ऑफ थायमीन हाँ ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन विच ए पर्टीकुलर सेगमेंट ऑफ डी एन एज कॉपिड इन टू दर एन ए विच इज द एम आर एन ए बाई द इंजाइम नोन एस आर एन ए पोली मरेज तो जो इंजाइम आपका एम आर एन ए बनाता है फ्रॉम डी एन ए उस इंजाइम को कहते हैं आप आर एन ए पोलीमरेज इट अकर्स इन द फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि हमेशा जब भी नए न्यूक्लियोटाइड बनेंगे जब भी नए न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे वो हमेशा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में बनते हैं तो उसी तरह जब डीएनए रेप्लिकेशन में जब न्यू स्ट्रैंड जब फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं इसी तरह जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर के न्यूक्लियोटाइड्स जो एम के बनने हैं वो भी हमेशा फ़ाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन बनेंगे इट इन्वॉल्व आर एन ए पॉलीमरेज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन and mRNA, tRNA and RNA must all be transcribed for protein synthesis to take place. So, transcription का जो process होता है, वो result कर सकता है. tRNA भी बनाता है और आपका rRNA भी बनाता है. लेकिन जो main जिसने आपकी information carry करनी होती है कि किस sequence में आपके amino acids बनेंगे protein में, वो जो sequence की information है, वो आपकी mRNA carry करती है. दे आर थ्री टाइप्स ऑफ आर एन एज एव टोल यू बिफोर एम आर एन ए टी आर एन ए एंड आर आर एन ए द एम आर एन ए द सीक्वेंस ऑफ एम आर एन ए न्यूक्लियोटाइड्स डिटर्मिन द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ द पोलीपैप्टाइाइड्स ऑफ प्रोटीन्स जब हमने प्रोटीन्स का चैप्टर पढ़ा था तो हमने हम उसमें पढ़ा था कि पोलीपैप्टाइड्स क्या होते हैं पोलिपैप्ट बेसिकली इज अ स्ट्रक्चर ऑन विच अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमानो एसिड्स इज प्रेजेंट ठीक हो गया तो वो जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है आपके अमाइनो एसिड्स का वो कैसे बनेगा वो पर्टिकुलर सीक्वेंस आपके डीएनए में मौजूद होता है अब वो डीएनए आपका प्रोटीन उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के पोलियपेपटाइट्स कैसे बनाएगा विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आर एन ए मैसेंजर आर एन ए के ऊपर कॉपी होता है आपके डी एन ए की इंफॉर्मेशन और फिर उस मैसेंजर आर एन ए से आपका फिर प्रोटीनस बनते हैं इन अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स दूसरी टाइप आर की होती है ट्रांसफर आर ट्रांसफर आर एन कैरीज द माइनो एसिड्स टू द एम और वो जब कैरी करती है माइनो एसिड्स की फिर वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस में लगने शुरू हो जाते हैं ऑन द असेंबली ऑफ़ द राइबोसोम और फिर आपके प्रोटीन्स बनते रहते हैं आर आर एन एज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ राइबोसोम्स सो डी एन एन ए इंफॉर्मेशन टू आर आर एन ए especially the mRNA it is the process is known as transcription and when the mRNA transfers the information onto the protein the process is known as translation तो so, ये basically एक basic diagram आपको दिखाई है कि किस तरह आपका RNA बन रहा है from DNA तो so, आप देख रहे हो कि ये DNA का double stranded structure दिखाया है जिसकी blue strands है double stranded तो so, जो ये blue strands है double stranded तो उनमें जो दोनों स्ट्रैंड्स है तो एक टाइम पे नहीं बनेगा बिकॉज आपका आर एन ए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है तो इन जो दो आपकी डी एन ए की स्ट्रैंड्स हैं उनमें से कोई एक स्ट्रैंड होती है जो कि आपका आर एन ए बनाने में हेल्प करती है तो जिस स्ट्रैंड के ऊपर आपका आर एन ए बनना शुरू होता है उस स्ट्रैंड को आप टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हो या एंटी सेंस भी कहते हो जिसके ऊपर आपका आर एन ए बनना शुरू होगा तो आप देख रहे हो कि जो नीचे वाली जो स्ट्रैंड है उसका लेबल क्या हुआ है टेम्पलेट स्ट्रैंड और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर आपका लाल रंग का सिंगल स्टैंडर्ड आर आर एन ए बन रहा है और जो दू, दूसरी स्ट्रैंड है डी की जिसके ऊपर आपका नहीं बन रहा आर एन ए उसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हो या सेंस स्ट्रैंड भी कहते हो तो जिस स्ट्रैंड के ऊपर आपका आर एन ए नहीं बनता उसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं डी एन ए की स्ट्रैंड को और जिस डीएनए की स्ट्रैंड के ऊपर आपका आरएनए बनना शुरू होता है मतलब वो डीएनए की स्ट्रैंड जो कि अपना इंफॉर्मेशन कॉपी कर रही है आरएनए के ऊपर उस स्ट्रैंड को आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हो डिफरेंस बिटवीन प्रो कैरियाटिक एंड यू कैरिटिक ट्रांसक्रिप्शन तो प्रो कैरियाट्स जो कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी साइटोप्लाज्म में होती है और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में होती है बिकॉज उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो उनकी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में होता है जबकि यू कैरियोर्ट्स में जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस सेल के न्यूक्लियस में होता है जबकि आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस आपके साइटोप्लाज्म में होगा जब एम आपका न्यूक्लियस से माइग्रेट करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है डीएनए इन प्रोकैरियोट्स कैरियोर्ट्स इज़ मोर एक्सेसिबल टू आरएनए पॉलीमरेज ए डीएनए इन यूकैरियोट्स, बिकॉज आपका आर आरएनए पॉलीमरेज वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है तो वो ईज़िली एक्सेस कर लेते हैं आपके डीएनए जो के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और जो डी डी साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है वो प्रो में होता है बिकॉज दे डोंट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जबकि DNA जो में होता है दे आर नॉट टू द एन यू डीएनए योट एन एज रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स नोन एज न्यूक्लियर तो हमने जब जेनेटिक्स को शुरू किया था लेक्चर ऑलमोस्ट लाइक लेक्चर नंबर एटीन में हमने जेनेटिक्स का पोर्शन शुरू किया तो मैंने उसमें न्यूक्लियसोम्स की आपको डेफिनेशन बताई तो न्यूक्लियर वो पोर्शन होता है आपका क्रोमाटिन का जो जिस में हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपका डी रैप होता है तो so, उस सेक्शन को आप कहते हो तो चूंकि वो इतना टाइटली रैप होता है तो आर एन ए पोलीमरीज एक्सेस नहीं कर सकता आपके डी एन ए को यू डीएनए डी एन ए इज पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमेटिन वाइल्ड डी एन ए पोलीमरीज डायरेक्टली विद द प्रोकेरियोटिक डी एन ए अदर प्रोटीन्स मीडिएट द इंटरेक्शन बिटवीन आर एन ए पोलीमरीज एंड डी एन ए पोलीमरीज सॉरी डी एन ए इन यूकेरियोट्स तो जब प्रोकैरियोटिक डीएनए जो कि प्रोकेरियोट्स uh, में आपको पता है चूँकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है आपके आर एन ए के साथ जबकि आपका जो डी एन ए में होता है वो एनक्लोज होता है विद इन द न्यूक्लियस तो स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प करती हैं इन द इंटरेक्शन ऑफ आर एन ए एंड द यूकेरटिक डी एन ए एम आर एन एज़ प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ़ ट्रांसक्रिप्शन इज़ नॉट मॉडिफाइड इन प्रो कैरियोट्स तो जो एम आर एन ए बनता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वो मोडिफाई नहीं होता इन केस ऑफ प्रो कैरियाट्स जबकि जो यू कैरिया के जो एम आर एन ए बनते हैं वो मोडिफाई होते हैं विद द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग फाइव प्राइम एंड कैपिंग एंड एडिशन ऑफ पोली ए टेल ये हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन के आ, प्रोसेस में जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हो रहा होता है कि जो आपका एम बन जाता है ना इन द केस ऑफ़ प्रो वो एज़ इट इज़ आपका रिलीज़ हो जाता है इन द साइटोप्लाजम लेकिन जो एम आर एन ए आपका इन द केस ऑफ यू कैरियर बनता है वो साइटोप्लाजम में रिलीज़ होने से पहले उसमें कुछ मोडिफिकेशनस आती हैं वो मोडिफिकेशन क्या होती हैं वो तीन मोडिफिकेशनस होती हैं कि एक मॉडिफिकेशन होती है आर एन ए स्प्लाइसिंग दूसरी होती है फाइव प्राइम जो एंड होता है उसके ऊपर कैप लगता है एम आर एन ए के और जो टेल होती है एम आर एन ए की उसके ऊपर पोली ए चेन लगती है वो हम पढ़ेंगे कैसे लगती है सेंस वर्सेस एंटी सेंस स्ट्रैंड डी एन ए स्टैंड आपको पता है कि डी एन ए के दो स्ट्रैंड होते हैं एक स्ट्रैंड जो है वो एम आर एन ए की प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता और उसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं जबकि वो स्ट्रैंड जिसके ऊपर आपका एम आर एन ए बनना शुरू होता है उस स्ट्रैंड को आप टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हो इसके अलावा भी इनके दो नाम होते हैं जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होती है जिसके ऊपर आपका एम आर एन ए बनता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हो और एंटी सेंस स्टैंड भी कहते हो ठीक है वो स्ट्रैंड डी एन ए की जो कि ट्रांसक्राइब नहीं होती जो कि नॉन टेम्पलेट होती है उसको आप सेंस स्ट्रैंड भी कहते हो एम आर एन ए इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंटी सेंस स्टैंड एंटी सेंस स्टैंड वो होती है जो कि टेम्पलेट होती है और जिस जो कि ट्रांसक्राइब होती है सो so ऑब्वियसली जो आपका डी एन ए का स्ट्रैंड जिसके जिसने ट्रांसक्रिप्शन करवानी है और जिसके ऊपर आपका एम आर एन ए बनेगा ऑब्वियसली उसी के कॉम्प्लीमेंट्री आपका एम आर एन ए बनेगा फॉर एग्जाम्पल जो आपका टेम्पलेट है डी एन ए का उसके ऊपर पहला जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी बेस लगी हुई है थाइमीन की तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री एम आर एन ए पर होगा वो होगा एडनिन ठीक है क्योंकि थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन सी होती है एडनिन होती है सिमिलरली अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट या एंटीसेंस जो डीएनए का स्ट्रैंड है जिसने ट्रांसक्राइब होना है तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड की जो बेस लगी है वो अगर लगी है एडेनिन तो एम आर एन ए की न्यूक्लियोटाइड कौन सी बनेगी यूरा बिकॉज आर एन ए में थायमिन की जगह यूरा की बेस होती है सो दिस इज़ एन ऑब्वियस थिंग कि एम एम आर एन ए इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द स्ट्रैंड ऑफ द डी एन ए विच इज़ बिंग ट्रांसक्राइब्ड और उसका दूसरा नाम एंटीसेंस स्ट्रैंड भी होता है यही बात जो मैंने आपको बताई कि अब आप देखोगे कि डी का स्ट्रैंड बना हुआ है और ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड है तो जो दूसरा स्टैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसी की जो है ट्रांसक्रिप्शन होती है और आपका बनता है आर तो जो टेम्पलेट स्टैंड होता है उसको आप एंटी सेंस स्टैंड भी कहते हो और जो आपका सेंस स्टैंड होता है जो कि नॉन टेम्पलेट होता है उसको आप सेंस स्टैंड भी कहते हो और कोडिंग स्टैंड भी कहते हो अब बच्चे ना इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैम इसको कोडिंग स्टैंड क्यों कहते हो क्योंकि ये कोड तो नहीं कर रहा कोड तो आपका वो वाला स्टैंड कर रहा है जो कि ट्रांसक्राइब हो रहा है जो कि टेम्पलेट है इसको कोडिंग सेंस इसलिए बेटा कहते हैं बिकॉज इसके ऊपर जो सीक्वेंस लगा होता है ना वही सीक्वेंस आपका एम का है वो अब बताओ कैसे वो इस ऐसे कि जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग डीएनए का स्ट्रैंड है वो भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री है और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो आपका आरएनए बन रहा है वो भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का वो वही सीक्वेंस है जो कि आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का या कोडिंग स्ट्रैंड का तो वो आपको थोड़ी अक्ल आ रही है मतलब कि ये एक बड़ा ईजी कॉन्सेप्ट है लेकिन ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग क्यों कहते हैं उसको कोडिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज जो आपका टेम्पलेट है ना ज़रा गौर से देखो कि जो आपका टेम्पलेट जिस स्ट्रैंड के साथ लिखा हुआ है ना उस स्ट्रैंड उस स्ट्रैंड ने आपका आर एन ए बनाना है मतलब कि जो टेम्पलेट का स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका आर एन ए बनेगा फॉर एग्जाम्पल टेम्पलेट पर अगर पहले तीन न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन गुआनिन है और तीसरा थायमिन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के ऊपर एडिन के कॉम्प्लीमेंट्री था लगेगा यूरासिन दूसरा मैंने बोला था टेम्पलेट स्टैंड पर गुआन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होगा आर के ऊपर और तीसरा मैंने बोला बु, था साइटोसिन तो साइटोसिन का गुआनिन होगा आर के ऊपर तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आपका आर बनता है और जो आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसको आप कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड भी कहोगे उसको कोडिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज आप देखो कि जो कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंसेस बने हुए हैं कलर्ड जो कलर्ड चीज़ें बनी हैं exactly वो एग्जैक्टली वही कलर्ड चीज़ें हैं जो कि आर एन ए की हैं तो आप देखो ज़रा कोडिंग स्ट्रैंड पे पहला डिब्बा रेड है तो आर एन ए पर भी पहला डिब्बा रेड है कोडिंग स्ट्रैंड पे दूसरा डिब्बा ब्लू है तो आर एन ए पर भी दूसरा डिब्बा ब्लू है, तो है मैं फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड चल रही हूँ ठीक है इसी तरह जो तीसरा डिब्बा आपका कोडिंग स्ट्रैंड पे येलो है आपका आर एन ए पे भी येलो वो इसलिए ऐसा है बिकॉज आपका जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है जिस जो कि टेम्पलेट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो सेंस स्ट्रैंड होती है डीएनए की और टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो आपका आरएनए बनना है वो भी उस उसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक्जैक्टली exactly वही सीक्वेंस है कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो आर के ऊपर है ठीक है सीक्वेंस सेम है लेकिन टेम्पलेट स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन होनी है आपकी आई थिंक थोड़ी बहुत समझ लग रही है आपको कि आपका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इट एक्ट्स It is the strand on which transcription will take place, and the RNA will be complementary to the template strand and will be exactly like the non template or coding strand because the coding strand is complementary to the template strand of the DNA, and RNA is complementary to the template strand of the DNA, and both the coding strand and RNA have the same sequence of nucleotides. तो आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी समझ आ रही तो मैं समरी नोट्स में बताऊंगी। आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट हैव लॉन्ग नॉन कॉर्डिंग स्ट्रेचूस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दीज रीजन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड तो जो आपका आर एन ए बनता है ना तो ज़रूरी नहीं उसमें जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं वो सारे ही कोई ना कोई कोड करें आपका ट्रांस कोड करें और प्रोटीन बनाएं तो आर एन ए जो आपका बनता है उस पर कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स भी होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो कि कोडिंग नहीं करते प्रोटीन की दीज रीजन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड इन टू प्रोटीन्स द नॉन कोडिंग सेक्शंस आर डिस्पर्स बिटवीन द कोडिंग सेक्शंस तो आपके जो कोडिंग सेक्शंस होते हैं वो आपके डिस्पर्स होते हैं बिटवीन द कोडिंग सेक्शन ऑफ द आर एन ए नाउ वट आर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सेक्शंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड फाउंड बिटवीन द कोडिंग रीजन तो जब आपका न्यूक्लिक एसिड होता है ना इंट्रॉन्स बेसिकली इंट्रॉन्स वो जगह होती हैं आपकी डीएनए के ऊपर जो कि नॉन कोडिंग होती हैं मतलब वो कोई जी वो कोई कोड नहीं करेंगे किसी भी प्रोटीन के लिए तो बेसिकली इंट्रॉन्स की अगर ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो वो नॉन कोडिंग रीजन बता देंगी एम के ऊपर और एग्जॉन्स आर द कोडिंग रीजनस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स ठीक है एंड इवेंचुअली डीज आर एक्सप्रेस्ड एज अमाइनो एसिड्स तो एग्जॉन्स आपके वो रीजन्स होते हैं आपके डीएनए के और आरएनए के जो कि आपके कोड करते हैं प्रोटीन को और जिनकी वजह से आपके अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बनाएंगे इन अ सिक्वेंस सो सिंपल बात इसमें याद रखने वाली वाली ये है कि जो आपका आरएनए बनता है ना उस पर कुछ रीजन्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे तो जो नॉन कोडिंग रीजनस होते हैं ना उनको आप कहते हो डी और आरएनए पे होते हैं कि कुछ भी कोड नहीं करते उनको आप कहते हो introns, और जो कि आपके कोडिंग रीजन्स होते हैं के, और आइदर ऑन आर एन आर नॉन एज एग्जॉन्स इंट्रॉन्स एंड एग्जॉन्स आर एन ए पोलीमरेज ट्रांसक्राइब्स इंट्रॉन्स एंड एग्जॉन्स तो आपका जो आर एन ए पोलीमरेज होता है वो जो डी एन ए के ऊपर आपके इंट्रॉन की डीएनए पे भी इंट्रॉन की जगह होती है ना ऑब्वियसली अगर डीएनए पे होगी तो आरएनए पे आएगी तो डीएनए पे वो जगह जो कि कोड नहीं करती फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोटीन दोज रीजनस आर नोन एज इंट्रॉन्स एंड दोज रीजनस ऑन डीएनए एन कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन दोज आर नोन एज एग्जॉन्स तो आपका आर एन इन दोनों रीजन्स को ही ट्रांसक्राइब कर सकता है सो so जो आर एन ट्रांसक्राइब करता है इंट्रॉन्स एंड एग्जॉन्स ऑफ द डी दिस इज़ नोन एज द प्री एम द प्री एम आर एन ए इट नैवर लीव द सेल्स न्यूक्लियस इट अंडर गोज सर्टन मॉडिफिकेशन द इंट्रॉन्स आर एक्साइज्ड एंड द एक्न्स आर जॉइन टूगेदर टू फॉर्म एम आर एन ए तो इंट्रॉन्स जो आपके नॉन कोडिंग रीजन्स बन जाते हैं आपके एम आर एन ए पे बिकॉज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द नॉन कोडिंग रीजन्स और द इंट्रॉन्स ऑफ द डी एन ए उन रीजन्स को एक्साइज किया कर दिया जाता है और एग्जॉन्स को जो कि कोडिंग रीजन्स होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है टू फॉर्म द एम आर एन ए तो आप देख रहे हो आपका प्री एम आर एन ए है प्री एम आर एन ए में देखो कि जो आर एन ए है ना उसमें सर्टन ब्रेक्स हैं तो जो ये ब्रेक्स हैं ना ये शो कर रही हैं जो खाली जगह शो कर रही हैं इंट्रॉन्स को ये नॉन कोडिंग रीजन्स हैं तो जो प्री एम आर एन ए में जो है ना नॉन कोडिंग रीजन्स वो डिस्पर्स होती हैं फिर मेच्योर आ एम आर एन एस बनता है कि जो इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग रीजन्स को एक्साइज कर दिया जाता है निकाल दिया जाता है और एग्जॉन्स जो कि कोडिंग रीजन्स हैं उनको साथ में डाल दिया जाता है तो मेच्योर एम आर एन ने आप देख रहे हो एक सिंगल लाइन है उसमें कोई ब्रेक्स नहीं है बिकॉज़ जो आपके एंट्रॉन्स हैं उनको अलहदा कर दिया गया उनको साइडों पर डाल दिया गया और एग्जॉन्स जो कि सारे कोडिंग रीजन्स थे उनको आपस में जोड़ दिया गया है तो एक सिंगल लाइन बनी है विदाउट एनी ब्रेक्स सिंगल लाइन शोज़ दैट द जीन तो gene. Gene, की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी जेनेटिक्स के जब हमने पोर्शन शुरू किया था तो जीन बेसिकली आपकी वो एक स्पेशल जगह होती है डी एन ए की जो कि स्पेशल प्रोटीन्स को कोड करती है तो प्रोमोटर एक ऐसी रीजन होती है डी के ऊपर जो कि आपके पर्टिकुलर जीन की ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करवाती है एन एनहेंसर इज अ शॉर्ट रीजन ऑफ अ डी एन एट कैन बी बाउंड विद प्रोटीन्स टू एनहेंस ट्रांसक्रिप्शन लेवल्स ऑफ जीन्स इन अ जीन क्लस्टर तो एनहेंसर वो डी एन ए जगह होती है जो कि आपकी किसी भी पर्टिकुलर जीन की एक्सप्रेशन को एनहेंस करवा सकती है तो हमने देखा हमने इन स्लाइड्स कुछ स्लाइड्स पहले एक हमने डायग्राम देखी कि जो जीन ए था उसकी ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और ज़्यादा प्रोटीन्स बन रही है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन लेकिन जो जीन बी थी उसकी कम ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और थोड़े प्रोटीन्स बन रहे हैं तो इनहेंसर वो डीएनए पे जगह होती है जो कि आपके प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इनहेंस करवा सकता है जबकि प्रोमोटर वो डीएनए की जगह होती है जो कि स्टार्ट करवाता है डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन को ठीक है साइलेंसर इज़ अ डी एन ए सीक्वेंस केपेबल ऑफ़ बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी फैक्टर्स नोन एज रिप्रेसर्स तो वो आपके फैक्टर्स जो कि आपके रेगुलेट करवाते हैं कि ज़्यादा ना हो ना ही कम हो आपकी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस उन फैक्टर्स को आप रिप्रेसर्स कहते हो दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अ टर्मीटर और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर इज अ सेक्शन ऑफ जेनेटिक सी दैट मार्क्स द एंड ऑफ अ जीन और ऑपरन ऑन जीनोमिक डी एन ए फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑब्वियसली अब जी एक जीन के या डी एन ए के स्ट्रैंड की हमेशा दोनों ही ट्रांसक्रिप्शन होती रहेगी वो कहीं ना कहीं रुकेगी ना ताकि एम आर एन ए बन जाए और वो रिलीज हो जाए इन टू द साइटोप्लाजम तो वो जगह डी एन ए की जो कि स्टॉप करवाते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन को ताकि आपका एम आर एन ए अब रिलीज हो जाए फ्रॉम द डीएनएन ऑफ द डी एन एज नोन एजर इज फॉलोड बाई पोली आपका जो टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है एम आर एन ए का जब एम आर एन ए की मतलब की टर्मिनेशन हो जाती है बनने की तो उसके बाद पोली एडिनेशन होता है ना आपके बेसिस वो पोली हो जाते हैं मतलब मल्टीपल एडिनिन बेसिस आर एडेड तो पोली पोली ए चेन बन जाती है तो ये जो पोली ए चेन होती है ना बेसिकली इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ एम आर एन ए तो टर्मिनेशन के बाद एम आर एन ए की उसके टेल की एम आर एन ए की पोली एडिनेशन होती है एडिनालेशन ट्रांसक्रिप्शन सो द बेसिक अब हम बेसिकली अब हम मेन प्रोसेस को पढ़ना शुरू करेंगे हमने बैकग्राउंड नॉलेज बना दिया था तो आप देखो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं फॉर ट्रांसक्रिप्शन दैट नीड अ टेम्पलेट कि टेम्पलेट होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका आर बनेगा तो आप ये देख रहे हो कि डी का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर बेसिस की सीक्वेंस पड़ी हुई है तो जो डी का जो आपका टेम्पलेट स्टैंडर है ना बेटा उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका आर ट्रांसक्रिप्ट बनता है विच इज़ कॉमनली द एम आर एन ए तो जो डी एन ए का टेम्पलेट स्टैंड ज़रा गौर से देखें और देखिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपका आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है तो हम जरा अगर आर एन एस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना शुरू करें फ्राम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड तो अगर आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट में पहला न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए काम्पली टेम्पलेट में कौन सा है बिकॉज साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है गुणानीन. फिर आर एन एन ट्रांस ट्रांसक्रिप्ट में आ रहा है गुआनिन तो टेम्पलेट में है साइटोसिन एंड सो ऑन तो अब देखो कि जो डी एन ए टेम्पलेट है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है टू द आर एन ए कि जो डी एन ए के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियर टाइड्स के बेसिस होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टू द बेसिस इन आर एन ए कि अगर गुआनिन है तो साइटो गुआनिन अगर डी एन ए टेम्पलेट में है तो साइटोसिन आर एन ए में फिर साइटोसिन है तो फिर आर एन ए में गुआनिन है फिर गुआनी नगर डी एन ए में तो आर एन ए में साइटोसिन एंड सो ऑन और जो डी एन ए नॉन टेम्पलेट है ना जरा उसको गौर से देखें आप जो डी एन ए नॉन टेम्पलेट है ना उसको कोडिंग स्टैंड क्यों कहा गया कि उसका वही सीक्वेंस है जो कि आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट का है बिकॉज जो आपका डी एन ए टेम्पलेट स्टैंड होता है इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू बोथ ऑफ दी टू बोथ टू द डी एन ए नॉन टेम्पलेट एज वेल एज द आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट दैट इज़ वाई जो डीएनए का नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा रहा है उसको कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं बिकॉज उसके ऊपर जो सीक्वेंस लगा होता है ना बेसिस का वो एग्जैक्टली exactly वही होता है जो आर का होता है जो कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से बन रही है तो अगर आप इन बेसिस को कंपेयर करो डी नॉन टेम्पलेट और आर ट्रांसक्रिप्ट की दोबारा बात सुने डी नॉन ट्रांस नॉन टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस को कंपेयर करें टू द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट तो आप देखेंगे कि डीएनए नॉन टेम्पलेट के अंदर पहला जो न्यूक्लियोटाइड है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड में वो साइटोसिन है तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में भी साइटोसिन है फिर गुआनिन है फिर साइटोसिन है फिर थाइमीन अब देखेंगे डी एन ए के अंदर थाइमीन अगर आया नॉन टेम्पलेट में कोडिंग में तो आर एन ए में यूरा से लाया बिकॉज जो डीएनए होते हैं उसमें थायमिन होता है और जो आरएनए में होते हैं ना उसकी जगह वो यूरासिल होता है सो आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट दैट वाई द डी नॉन ट्रांसक्राइबिंग और द नॉन टेम्पलेट इज़ नोन एज द कोडिंग इट इज़ नोन एज द कोडिंग बिकॉज इट हैज़ द एग्जैक्ट बे सीक्वेंस एज ऑन द आर बिकॉज बोथ ऑफ दीज नॉन टेम्पलेट एंड आर एन ए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द डी एन ए टेम्पलेट स्टैंड तो आप देख रहे हो कि डी एन ए कोडिंग स्ट्रैंड है फिर डी एन ए टेम्पलेट स्टैंड है और फिर एम आर एन ए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन की कुछ बेसिक रोक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सबस्ट्रेट्स होते हैं तो सबस्ट्रेट्स के तौर पे आपका एटीपी यूटीपी जीटीपी एंड सीटीपी प्रोवाइड करते हैं तो एटीपी इज़ एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि आपका एडीनीन की बेस प्रोवाइड करेगा और साथ फॉस्फेट ग्रुप भी प्रोवाइड करता है फिर आपका यू टी पी आता है यूरासिल ट्राइफॉस्फेट देन यू हैव सी टी पी विच इज़ द साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड जी टी पी विच इज़ द गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट फिर है, होती है ट्रांसक्रिप्शन की दूसरी रिक्वायरमेंट होती है विच इज द एंजाइम तो आपको पता है जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी थी तो कौन सा एंजाइम था जो डीएनए एन ए की रेप्लीकेशन करवा डी जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवा रहा था वो था डीएनए पॉलीमरेज तो जिस एंजाइम ने आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाना है वो आरएनए पॉलीमरेज होगा ऑब्वियस बात है ना सो इट इज ओनल डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पोलीमरेज और सिंपली आर एन ए पोलीमरीज ट्रांसक्रिप्शन इन यू इट हैज थ्री मेन स्टेप्स इनिशिएशन एलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन इनिशियशन इनिशियशन में पहले क्या होता है कि प्रोमोटर साइट जैसे हमने पढ़ा ऑलरेडी कि प्रोमोटर साइट डी एन ए की वो साइट होती है जहाँ पर स्पेसिफिक जीन जो है वहाँ पर स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस तो जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एक पर्टिकुलर जीन की साइट पर स्टार्ट होता है डी एन ए में दैट साइट इज़न एज द प्रोमोटर साइट और प्रोमोटर साइट पर आपका आर एन ए पोलीमरीज बाइंड करता है promoter is the region of dna where, where rna polymerase attaches and initiates the process of transcription the promoter region decides which strand of dna which serves as a template upon which will be transcribed the sequence of the rna rna polymerase hooks together rna nucleotides as they base pair along with the dna टेम्पलेट तो जो आपका डी एन ए ट्पलेट स्टैंड है जिसको एंटी सेंस स्ट्रैंड भी करते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री आपके आर एन ए न्यूक्लियोटाइड्स एड होने शुरू हो जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज द एरिया ऑफ डी एन ए डैट विल बी ट्रांसक्राइब्ड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स द एरिया वेयर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आर एन ए पोलीमरेज आर बाउंड टू द प्रोमोटर तो वो आपके ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर्स जो कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसेस को जिसे कहते हैं इनहेंस करवाते हैं उस कॉम्प्लेक्स को आर एन ए के कॉम्प्लेक्स एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स को आप ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हो और वो कौन सा आपका रीजन होता है जहाँ पे आपके प्रोमोट प्रमोशन शुरू होती है उसको आप टाटा बॉक्स कहते हो अब ये टाटा बॉक्स क्या चीज़ होती है वो वो सीक्वेंस है आपका डीएनए का जो कि प्रमोशन करवाता है आपके ऑफ़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपको आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस हमने बात की होगी प्रोकैरियोटिक डीएनए डी में कि जब हमने ओरीसी री साइड पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि ओरीसी री साइड वो साइट होती है जहाँ पे आपकी डीएनए एन होती है इन प्रोकैरियोट्स तो आपने याद किया कि वो पर्टिकुलर साइट थी जहाँ पर आपके थर्टीन मर्ड्स के तीन बैंड्स और नाइन मर्स के चार बैंड्स मौजूद थे और आपकी अनवाइंडिंग थर्टीन मर पे होती है इसी तरह डीएनए के ऊपर भी एक स्पेशल सीक्वेंस मौजूद होता है जहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस टेक प्लेस करेगा और उस प्रोमोटेड डीएनए सीक्वेंस के नाम को कहते हो आप टाटा बॉक्स और उसके ऊपर जो सीक्वेंस होता है वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम होता है टी ए टी एंड ट्रिपल ए तो थायमिन एडेनिन थायमिन एडेनिन एडेनिन एंड एडेनिन तो ये एक स्पेशल सीक्वेंस होता है आपके डीएनए के ऊपर जहाँ पे आपकी प्रमोशन हो रही होती है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पे ये बॉक्स मौजूद है वहाँ होगा डीएनए के ऊपर वहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द आर एन ए पोलीमरेज बाइंडिंग साइड ऑब्वियसली आर एन ए पोलीमेरेज बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी ना आफ्टर पोलीमरेज इज बाउंड टू द प्रोमोट डी एन ए द टू डी एन ए स्ट्रांस अनवाइंड एंड द एंजाइम स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड तो जो डीएनए के दो स्ट्रैंड जो आपस में जुड़े हुए थे वो आपस में अलहदा हो जाएंगे जब आर एन ए पोलीमरेज डी के टेम्पलेट स्ट्रैंड को बाइंड कर जाएगा और इस तरह फिर आपकी ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है आर एन ए स्टैंड एलॉन्गेशन आर एन एस ट्रांसक्राइड बाइम आर एन ए पोलीमरीज आपका आर एन ए पोलीमरीज आपके आर एन ए न्यूक्लियोटाइड्स को एड करता रहता है कॉम्पलीमेंट्री टू द डी एन ए न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द टेम्पलेट ऑफ़ द डी एन ए आर एन ए पोलीमरेज मूव स्टेप वाइज अलॉन्ग द डी एन ए अन द डी एन एलिक्स टू एक्सपोज अ न्यू रीजन ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग द ग्रोइंग आर एन ए चेंज इज एक्सटेंडेड टू वन न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम इन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन तो जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स एड होंगे जस्ट लाइक जो हमने पढ़ा था डी एन ए रेप्लीकेशन में भी ट्रांसक्रिप्शन में भी जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स होंगे आर एन ए वो हमेशा न्यू स्टैंड में फ़ाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में ऐड होंगे इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो डी एन ए स्टैंड है वो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम होगा और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री आपका आर एन ए का स्टैंड बनेगा वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम होगा बिकॉज हमेशा जब भी नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे आइदर डी एन ए और आइदर आर एन ए वो हमेशा न्यू स्टैंड जो है वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में ऐड होता है सो द ग्रोइंग आर एन ए चेन इज एक्सटेंडेड वन न्यूक्ट एट इन द फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शनोट दूरोसिल ट्राई एंड द गुनोसिन ट्राई फॉसफेट तो आपको मैंने बता दिया कि ये सबस्ट्रेट जो है ये आपके प्रोवाइड करते हैं बेसिस विच इज द एडिन इन साइटोसिन एंड यूरोसिल ये प्रोसेस हो रहा है आपका सारा ट्रांसक्रिप्शनिस तो अब ये आपकी हो रही है मॉडिफिकेशन हो रही है आपकी एम की जब यह एम की मॉडिफिकेशन होगी उसके बाद फिर आपका रिलीज़ होता है आपका एम आर एन ए इन टू द साइटोप्लाज्म इन मोडिफिकेशन के बाद अगर ये मोडिफिकेशन नहीं होंगी तो आपका एम आर एन ए न्यूक्लियस में ही रहेगा साइटोप्लाज्म में रिलीज़ नहीं होगा तो क्या होंगे आपके मोडिफिकेशन के इनिशियली आपके कैप बनेगा एम आर एन ए के हेड पे फिर स्लाइसिंग होगी स्लाइसिंग का मुराद ये है कि जो आपके इंट्रॉन्स होंगे वो एक्साइज हो जाएंगे वो साइडों पे चले जाएंगे और आपके एग्जॉन्स जो आपके कोडिंग रीजन थे वो एम एम मेचोर एम आर एन ए में वो इकट्ठे हो जाएंगे जो मैंने आपको पहले भी बात बताई कि जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन है एम आर एन ए का वो एक्साइज हो जाएंगे और आपके एग्जॉन्स आपस में जो कोडिंग रीजनस हैं वो जुड़ जाएंगे दिस प्रोसेस इज़ नोन एज स्प्लाइसिंग और उसके बाद आपका क्लीवेज हो जाएगा मतलब क्लीवेज वो जगह है जहाँ पे आपका एम आर एन ए स्टॉप हो जाएगा और वो अलहदा हो जाएगा आपके डीएनए से और फिर जो टर्मिनेशन के बाद जो टेल होती है एमआरएनए की वहाँ पे पोली एडनीशन होती है पोली एडेन से मुरादी है कि मल्टीपल एडेनिन की बेसिस ऐड होनी शुरू हो जाती हैं और टेल बन जाती है एडेनिन की और इस इससे ये शो होता है कि आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो गया सो दीज आर द थ्री मेन मॉडिफ़िकेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मोडिफिकेशन विच टेक प्लेस टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स व्हेन डी आर एन ए पोलीमरीज रीच इज अक्शन ऑफ द डी एन ए नोनज टर्मीटर टर्मिनेटर सीक्वेंस डी एन ए का वो सीक्वेंस होता है जिसके ऊपर जब वो सीक्वेंस आ जाता है तो आपका आर एन ए पोलीमरीज मरीज ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता द टर्मिनेटर सीक्वेंस इज़ द ए ए यू ट्रिपल ए तो जो आपका टाटा बॉक्स था वो आपका प्रोमोटर सीक्वेंस था जिसमें टी ए टी ट्रिपल ए था और जो आपका टर्मिनेटर सीक्वेंस है वो आपका ए ए यू डबल ट्रिपल ए है ठीक है तो ये कम से कम इनके सिक्वेंसेज आपने याद करने ईजी हैं याद करने नेक्स्ट द आर एन ए स्ट्रैंड इज रिलीज एंड आर एन ए पोली डिसोसिएट्स फ्राम द डी एन ए क्लीवेज हो जाती है दैन द आर एन ए स्ट्रैंड विल गो थ्रू मोर प्रोसेसिंग जिसमें कैपिंग स्लाइसिंग और पोली ए चेन बनती है जिसमें पोली एडनिलेशन होती है जो एम आर एन ए का जो टेल होता है वहाँ पर आपके होनी शुरू हो जाती हैं ना यू न्यूक्लियर आर एन जो यू में आर एन एंजाइम होता है उसके क्या फ़ीचर्स होते हैं उसके ये फ़ीचर्स होते हैं कि एक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन होता है यू नो दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स सो इट्स अ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन इट्स सिमिलैरिटी इज़ दैट दैट लार्जेस्ट सब यूनिट्स आर थ्री क्लोज रिलेटेड ये इसका सिमिलैरिटी बता रहे विद द प्रोकेरियाट्स की सो जो तीन मेजर सब यूनिट्स होते हैं वो एग्जैक्टली प्रो कैरियोटिक आर एन की तरह के होते हैं एंड द स्मोलर सब यूनिट आर शेयर विद मोर दैन वन एंड फंक्शनली वर्क ऑन सेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स तो बेसिकली डिफरेंट आर एन ए पोलिमरेजेज होते हैं डिफरेंट जीन्स के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डी एन ए में एक रीजन आपके आई कलर के लिए आपके आंखों के रंग के, के लिए अगर वो आ, कर रहा है कोड तो उसका डिफरेंट टाइप का आर एन ए पोलिमरेज होकर जो कि हेल्प करेगा तो वो कह रहे हैं कि बहुत थोड़ा फ़र्क होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर एन ए पोलीमरेज जो कि डिफरेंट टाइप्स की जीन्स को एक्सप्रेस करवाने में हेल्प करता है यू कैरियोर्स हैव एटलीस्ट थ्री न्यूक्लियर आर एन ए पोली ईच विद डिस्टिंक्ट रोल एंड प्रॉपर्टीज तो एक होता है आर एन ए पोली वन एक होता है आर एन ए पोलीमरीज टू और एक होता है आर एन ए पोलीमरीज थ्री तो बेसिकली आपका जो आर एन ए पोलीमरीज टू होता है ना वो ट्रांसक्राइब होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर और वो उसका प्रोडक्ट क्या होता है आपका एम आर एन ए तो हमने जो अभी पिछली सारी जो कहानी पढ़ी है ना कि आर एन ए पोली इट एड्स आर एन ए टू द ग्रोइंग आर एन ए चेन कॉम्प्लीमेंट्री दो टेम्पलेट आर एन ए तो जो आपका मैसेंजर आर एन ए बनता है ना वो आर एन ए पोली टू की वजह से बनता है ठीक है तो जो हमने जितनी कहानी पढ़ी अभी वो एम आर एन ए बनाने के लिए वो पोली मरीज टू बना रहा था आपका आर एन आपका न्यूक्लियोलस में मौजूद होता है और वो आपका राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करता है तो बिकॉज आपका राइबोसोमल आरएनए एन भी तो एक आरएनए है ना और आरएनए ने बनना ही आपके डीएनए से है तो आपका राइबोसोमल जो आरएनए होता है आर आर जो कि आपके राइबोसोम्स का सिक्सटी परसेंट स्ट्रक्चर बनाता है वो आपका आर एन ए उसको ट्रांसक्राइब करवाता है और जो आपका आर एन ए होता है वो आपके न्यूक्लियस में ट्रांसक्राइब होगा और वो ट्रांसफर आर को ट्रांसक्राइब करवाता है ठीक है तो जो आपका आर एन ए पोलीमरेज टू है इट हेल्प्स टू ट्रांसक्राइब एम आर एन ए फ्राम द डी एन ए आर एन ए हेल्प्स टू ट्रांसक्राइब आर आर एन ए फ्राम द डी एन एंड आर एन ए पोलीमरेज थ्री हेल्प्स टू ट्रांसक्राइब ट्रांसफर आर एन ए फ्राम द डी एन ए सो यू गेट वाई दे आर थ्री टाइप्स ऑफ आर एन ए पोलीमरेज बिकॉज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ आर एन ए द थ्री टाइप्स ऑफ आर एन ए आर एम आर एन ए आर एन एंड आर आर एन एंड फॉर दिस थ्री टाइप्स ऑफ आर एन एज वी हैव थ्री डिफरेंट आर एन ए बिकॉज आर एन एन ए बनना ही डी एन ए से है तो तीन किस्मों के एंजाइम्स तीन किस्मों के आर एन ए बनाते हैं डी एन ए से एम आर एन ए बनता है आर एन ए टू की वजह से टी आर एन ए बनता है आर uh, थ्री की वजह से और आर आर एन ए बनता है पोलीमरीज वन की वजह से तो ये थोड़ा सा है ये आपके लिए याद करना है इसको ऐसे ही स्ट्रक्चुरल सिमिलैरिटी बिटवीन बैक्टीरियल एंड यूकेरियोटिक आर एन ए पोलीमरेज टू जिसने आपका एम आर एन ए ट्रांसक्राइब करना है द यूकेरियोटिक पोलीमरेज ट्वेल्व सेब यूनिट इज लार्जर दैन द बैक्टीरियल पोलीमरेज फाइव सेब यूनिट एंड देयर एडिशनल रीजनज इन द यूकेरियोटिक पोलीमरेज एज वेल विच इज़ शोन बाय द ग्रे एंड द ब्लू सफियर शोज द जिंक एटम्स एंड द रेड सफ़ियर शोज द मैगनीजियम एटम्स तो ये फ़र्क है आपके आर एन ए पोलीमरियस टू ऑफ द प्रो कैरियर एंड यू कैरियर दैट द प्रो कैरियो का एक तो साइज बड़ा कम्पेयर टू बैक्टीरिया और कुछ उसमें एडिशनल जगहें भी होती हैं स्टेप्स लीडिंग आप देख रहे हो कि प्रो कैरियो में जो सारा प्रोसेस है सा, वो कम्पलीटली साइटोप्लाजम में टेक प्लेस कर रहा है जबकि यू कैरियोर्ट्स में न्यूक्लियस के अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और प्रोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मोडिफिकेशन हो रही है जिसमें तीन चीजें होती हैं फाइव प्राइम कैपिंग आर एन ए स्प्लाइसिंग एंड थ्री प्राइम पोली एडेनलेशन तो आप देख रहे हो कि इनिशियली जब ट्रांसक्रिप्शन और यू वाला आप देखो डायग्राम यूके की हेडिंग के नीचे जो डायग्राम है तो उसमें देखो ट्रांसक्रिप्शन हुई तो आपका प्राइमरी या मेचोर इम मेच्योर आर एन ए बना जिसको प्री आर एन ए भी कहते हो तो वो जब बना तो इनिशियली क्या है कि वो प्राइमरी है और उसमें कुछ चेंजेस आएंगे जब तक वो चेंजेस नहीं आएंगे तब तक वो साइटोप्लाज्म में रिलीज नहीं होगा तो तीन चेंजेस क्या आती है मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये वाइवा का क्वेश्चन है तो तीन चीजे क्या आती हैं क्योंकि उसके जो फाइव प्राइम एंड होगा उसके हेड के ऊपर कैपिंग होती है एक कैप लगती है उसके ऊपर आ की दूसरा उसमें स्लाइसिंग होगी कि इंट्रॉन्स के रीजन्स को एक्साइज कर दिया जाएगा नॉन कोडिंग रीजन्स को एक्साइज कर दिया जाएगा और कोडिंग रीजन जो एग्जॉन्स हैं उनको आपस में मिला दिया जाएगा तो आप देख रहे हो कि जो प्राइमरी आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट है उसमें येलो रीजन्लो रीजन्स आर शोइंग द इंट्रॉन्स और द नॉन कोडिंग रीजन्स जो कि मेचोर आर एन ए में एम आर एन ए में निकल गए हैं तो येलो रीजन्स को एक्साइज कर दिया गया है तो एक सिंगल ब्लू लाइन बन गई तो दूसरी चेंज ये आई मॉडिफिकेशन हुई एम आर एन ए में और तीसरी मॉडिफिकेशन क्या हुई थ्री प्राइम पोली एडनलेशन तो थ्री प्राइम जो टेल होगी वहाँ पे मल्टीपल एडेनिन बेसिस आएंगी उसकी टेल बन जाएगी और उसके बाद जब ये तीन चेंजेस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगी एम आर एन ए की जब ये मोडिफिकेशन तीन होंगी प्राइमरी आर एन ए की उसके बाद आपका एम आर एन ए साइटोब्लाजम में रिलीज़ होगा ये मेन फ़र्क है आपका यू और के के प्रो के ट्रांसक्रिप्शन का कि प्रो की डायग्राम में आप देखो कि सारा प्रोसेस ट्रांस में हो रहा है और कोई भी एम की कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो रही जबकि यू में आपके एम का जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है और जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है वो सारा न्यूक्लियस में हो रहा है उसके बाद आपका एम न्यूक्लियस से साइटोप्लाजम में रिलीज़ होगा और ट्रांसलेशन का प्रोसेस आपका साइटोप्लाजम प्रोस में होगा डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर्स ऑफ द एम एन तो प्रो जो एम आर एन ए है बिकॉज उसके अंदर आपके स्लाइसिंग नहीं होती है तो प्रो जो डीएनए है सॉरी प्रो जो एम आर एन ए है उसके अंदर चूँकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं हो रही तो उसमें तीनों चीज़ों का फर्क है पहली बात यह कि प्रो कैरियोटिक में कोई फाइव प्राइम की कैप नहीं है में फाइव प्राइम की कैप एक बनी हुई है दूसरा चेंज ये है कि स्लाइसिंग नहीं हुई हुई प्रोकैरियोटिक एम आर एन ए के मतलब कि जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनके बीच में नॉन सी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी डिस्पर्सड हैं जबकि आपके यूकैरियोटिक करियोटिक एम आर एन ए में आपके जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस को एक्साइज करके अलहदा कर दिया गया साइडों पर डाल दिया गया जबकि बीच में आपका कोडिंग सीक्वेंस आ गया जो एक्जोन उनको आपस में जोड़ दिया गया तो ये स्लाइसिंग हो गई है और तीसरी जो नॉन जो मॉडिफिकेशन हुई है यू करियोटिक एम में जो कि प्रो करिओटिक एम में नहीं हुई वो ये हुई कि जो यू यु, करियोटिक एम में पोली ए चेन है पोली एडनेशन हुई है थ्री प्राइम तो थ्री प्राइम टेल है वहाँ पे मल्टीपल एडन बेसिस ऐड हुई हैं जो कि प्रो करिटिक एम में नहीं है सो so बेसिकली जो कि सारी आपकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो रही है आपके प्राइमरी एर में या प्री आर एर में वही डिफ्रेंसेज हैं आपके प्रोकैरियोटिक एमआरएनए से बिकॉज प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में आर तो, एन नहीं होती थैंक यू वेरी मच फॉर योर टेंशन द लेक्चर वॉज सुपर सुपर इजी एंड मैंने कोशिश की कि ईजीली बता सकूँ और अब मैं समरी नोट्स में भी आपको बेहतर एक्सप्लेन करूँगी समरी नोट्स भी शॉर्ट होंगे बिकॉज ऐसी बातें थी जो कि आपके ऑलरेडी एक माइंड में एक बैकग्राउंड नॉलेज बना हुआ था बिकॉज बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि डी एन एड एप्लीकेशन में मैंने आपको एग्जैक्टली uh, exactly वही थी जो कि ट्रांसक्रिप्शन में भी कॉन्सेप्ट सेम है और फिर मैं आपको समरी नोट्स में भी मजीद कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टेंशन